जय माँ लक्ष्मी, जय माँ लक्ष्मी, जय माँ लक्ष्मी। एक बार सच्चे दिल से कमेंट सेक्शन में सिंह राशि वालों जय माँ लक्ष्मी अवश्य लिखिएगा, क्योंकि अब 33 सालों तक माता लक्ष्मी सिंह राशि पर धन लुटाएंगी और ऐसे में आप लोग करोड़पति बन सकते हैं रोडपत से, क्योंकि आपके राशि पर स्वयं माता लक्ष्मी प्रसन्न हुई है। अभी तक आप लोग अपने जीवन में कितनी परेशानियां झेला, उन सभी का निवारण अब आप लोगों को मिलने वाला है। स्वयं माता लक्ष्मी आपके राशि पर प्रसन्न हुई है और 33 सालों तक धन लुटाएंगी, लेकिन एक गलती आप लोगों को नहीं करना है, क्योंकि माता लक्ष्मी प्रसन्न हुई है आपके जीवन में, तो आप लोगों को माता लक्ष्मी को खुश कर रखना है। खुश करने के लिए आप लोगों को एक उपाय बताया जाएगा, वो इसी वीडियो में बताया जाएगा, कहीं पर भी आप लोगों को बता दिया जाएगा, इसलिए आप लोग एक भी पार्ट वीडियो को मिस मत करना, वीडियो को इधर उधर छोड़ कर मत भाग, नहीं तो आपके जीवन में लाभ नहीं हो पाएगा मित्रों, क्योंकि माता लक्ष्मी आपके राशि पर प्रसन्न हुई हैं। तो आप लोगों को एक उपाय करना है, बहुत ही छोटा उपाय है, एक भी रुपया आप लोगों का नहीं खर्चा होने वाला है और 33 साल के लिए आप लोग करोड़पति बन सकते हैं, क्योंकि इतना तेजी से माता लक्ष्मी प्रसन्न हुई है आपके राशि पर, आपकी परेशानियों को देखकर, आपके संघर्ष भरी कहानी को देखकर माता लक्ष्मी ने आखिर फैसला ले ही लिया और आप लोगों को करोड़पति बना ही दिया। लेकिन मित्रों आप लोगों से रिक्वेस्ट है, वीडियो को संपूर्ण सुनेंगे लाभ तभी हो पाएगा, क्योंकि 33 साल तक माता लक्ष्मी आपके राशि पर प्रसन्न हुई है, आपकी पीढ़ी जो है रोडपति से करोड़पति बन सकती है। इसीलिए आप लोग एक बार सच्चे दिल से कमेंट सेक्शन में जय माँ लक्ष्मी अवश्य लिखिएगा। कल मित्रों हम ज्योतिष शास्त्र देख रहे थे, हम और हमारी टीम रिसर्च कर रही थी, तो मैंने देखा पिछले 3 सालों से सिंह राशि जो मेहनत कर रही है उसका लाभ इन्हें जितना मिलना चाहिए था उतना नहीं मिल रहा था। ये लोग जिनकी मदद कर दे रहे थे या फिर जिनको आगे बढ़ाने में ये अपना हाथ डाल देते थे, अपने काम को छोड़कर दूसरों की मदद कर रहे थे, फिर भी आपके साथ गलत हो रहा था मित्रों। लेकिन आने वाले 33 साल तक आप लोगों को सुख संपत्ति धन दौलत सब मिलने वाला है, क्योंकि माता लक्ष्मी आपके राशि पर प्रसन्न हुई है सिंह राशि वालों। इसीलिए आप लोगों को माता लक्ष्मी को प्रसन्न करने का एक उपाय हम आप लोगों को बताऊंगा, उस उपाय को आप लोग कर लीजिएगा। 33 साल तक माता लक्ष्मी आपके राशि पर प्रसन्न रहेंगी और आपके घर को छोड़कर नहीं जाएंगी, क्योंकि मित्रों कल जब हम और हमारी टीम आपके राशि को रिसर्च कर रही थी तो मैंने देखा आपकी राशि कोई आम राशि नहीं है, सिंह राशि है आप, और सिंह मतलब होता है शेर, आप कोई छोटी मोटी राशि नहीं है सिंह राशि वालों, शेर की राशि है, आपके अंदर जो खूबियां होंगी वो होंगी शेर वाली। ऐसे में माता लक्ष्मी ने देखा कि आप इतना मेहनत कर रहे हैं आपको सफलता नहीं मिल पा रही है, इसीलिए माता लक्ष्मी ने स्वयं ठान लिया कि अब सिंह राशि वालों को 33 साल तक करोड़पति बनाकर रखेंगे। ऐसे में आप लोगों को एक गलती नहीं करना है जो मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं और मैं अभी बताऊंगा। और मित्रों आप लोगों को बता दें आपका राशि सिंह होता है, सिंह मतलब होता है शेर, और शेर जंगल का राजा कहलाता है, और आप ऐसे में अगर किसी के सहारे किसी के इंतजार में बैठे हैं, किसी के ऊपर विश्वास करके बैठे हुए हैं, तो आप सबसे बड़े मूर्ख व्यक्ति है, क्योंकि सिंह मतलब होता है शेर, और शेर जो है अपने दम पर शिकार करता है अकेले दम पर। इसीलिए आज से आप अपने आप को पहचानो, अकेले दम पर काम करो, किसी का सहारा लेना छोड़ दो। आप ये मत सोचो कि हमारे रिलेशनशिप में कोई पावर वाला है, हमारा भाई बड़े डिपार्टमेंट है, उनके बदौलत हमें काम मिल जाएगा, ऐसी गलती आप लोग मत करना। सिंह मतलब होता है शेर, कोई भी आपको सहारा देगा नहीं, अच्छे मौके पर आपको लात मारकर चला जाएगा। इसीलिए सिंह राशि वालों आप लोगों से रिक्वेस्ट है स्वयं के दम पर मेहनत करना, और आप लोग किसी के सहारे किसी के इंतजार में मत बैठना, आप शेर की राशि हैं और शेर कोई आम राशि नहीं है, आपको स्वतंत्र रहकर काम करना पड़ेगा, ये आपके अंदर खूबी है। आप अकेले दम पर काम करेंगे तभी लाभ पा पाएंगे, क्योंकि आपका राशि आपका जो उद्देश्य है सिंह का वो होता है सिर्फ अकेले दम पर मेहनत करो, किसी के सहारे किसी का इंतजार ना,
ना करो। आपका एटीट्यूड आपका आगे बढ़ाता है। आपके अंदर जो एटीट्यूड घमंड होता है कि हम किसी के आगे दबेंगे नहीं, किसी के आगे झुकेंगे नहीं, हम स्वतंत्र रहेंगे और हम अपने दम पर काम, हम किसी के आगे हाथ फैलाकर भीख नहीं मांगे, ये एटीट्यूड आपके अंदर होना चाहिए। आपको लोग बहुत घमंडी बोलते होंगे क्योंकि एटीट्यूड आपके अंदर जन्मजात डाला जाता है। सिंह राशि वालों, आप किसी के आगे दबेंगे नहीं, किसी के आगे झुकेंगे नहीं, ये खूबी आपके अंदर स्वयं आपके अंदर डाली जाती है कि आप किसी के आगे दबना ना, किसी के आगे झुककर चलना ना, क्योंकि सिंह राशि है आप। सिंह राशि मतलब सिंह शेर होता है और शेर राशि के आप व्यक्ति हैं। आपके अंदर जो एटीट्यूड घमंड मेहनत करने की क्षमता शेर वाली होगी। आप अभी अपने काम से कभी डरते नहीं हैं, आप जो ठान लेते हैं उस काम को पूरा करके दिखा देते हैं। लेकिन मित्रों, ऐसे में आप लोग जो मेहनत कर रहे थे फिर भी सफलता नहीं मिल पा रही थी, मेहनत बहुत कर डाला आप लोग, बहुत परेशानियों को देख डाला, लेकिन फिर भी आपके जीवन में सफलता मिलने का कोई भी राज आपको अभी तक नहीं मिला। लेकिन ऐसे में आप लोगों के राशि पर स्वयं माता लक्ष्मी प्रसन्न हुई हैं और 33 साल तक आपको करोड़पति बनाएंगे, आपके राशि पर धन लुटाएंगे। अब माता लक्ष्मी आपके राशि पर प्रसन्न हुई हैं, ये आप लोगों को कैसे लाभ देंगे? ऐसे में आप लोगों को अपने घर पर जो है थोड़ा साफ सफाई का ध्यान रखना है। अगर आपके घर पर मकड़ी का जाला लगा रहता है तो उसे आज ही आप लोग निकाल कर बाहर फेंक दें। मकड़ी का जाला अगर कहीं पर चोरी से भी लगा है, चुपके से भी, तो आपके घर पर बहुत निगेटिव ऊर्जा उत्पन्न करता है। और माता लक्ष्मी का सबसे बड़ा दुश्मन अगर कोई खास वाला है वो मकड़ी का जाला होता है। और उसी के साथ साथ आप लोगों को बता दें, जो माता लक्ष्मी का सबसे खास मित्र होता है वो आपके घर का झाड़ू होता है, आपका झाड़ू, जिससे आप अपने घर की साफ सफाई करते हैं। तो ऐसे में आप लोगों को अपने घर के जो झाड़ू को जो है थोड़ा सा साफ सुथरा रखा करें और एकांत जगह में रखा करें, यानी कि जहां पर झाड़ू पर आपकी बार बार नजर ना पड़े, एकांत जगह में रखें। अगर आपके घर पर एकांत जगह नहीं है तो झाड़ू को ढकने वाला एक आप लोग बोरी बना लें और झाड़ू को ढक कर रखा करें। ऐसा करने से माता लक्ष्मी प्रसन्न हो जाती है, झाड़ू को बार बार नजर न आए। जिस घर में आर्थिक स्थिति सही होती है, जिनके घर पर रुपया पैसों की दिक्कत नहीं रहती है, वो लोग नियमों का पालन बहुत ही अच्छे से करते हैं और बहुत ही ध्यान में रखकर पूजा पाठ करते हैं और ज्योतिष शास्त्र की बातों को बहुत ही ध्यान से सुनते हैं। आप लोगों का एक भी रुपया नहीं लगने वाला है। आज से झाड़ू आप लोग एकांत जगह में रखें। आपका घर बड़ा है तो आप ऐसे जगह पर झाड़ू रखें जहां पर आपकी नजर नहीं पड़ती। अगर आपका घर छोड़ा है तो आप झाड़ू को ढक कर रखें, किसी चीज को ढक कर रखना स्टार्ट कर दें और संध्या के बेला में आप लोग झाड़ू ना लगाएं और झाड़ू को कभी पैर से ना खिसकाएं। माता लक्ष्मी का रूप होता है झाड़ू को, और जिस घर में झाड़ू इधर उधर पड़ा रहता है और पैर तलो आ जाता है उस घर पर माता लक्ष्मी का वास नहीं बन पाता है। माता लक्ष्मी आ तो जाएंगी लेकिन टिकेंगी नहीं। तो इस उपाय को आप लोग करिए, झाड़ू को कभी भी पैर मत लगाइए, झाड़ू को एकांत जगह में रखना आज से ही स्टार्ट करें। और अगर आप लोग चाहते हैं माता लक्ष्मी का वास आपके घर पर 33 सालों तक बना रहे और आप करोड़पति 33 साल तक रहें, क्योंकि माता लक्ष्मी कुछ ना कुछ लाभ अब आप लोगों को देने वाली है 33 सालों तक, ऐसे में आप लोगों को करना है एक उपाय। आप शुक्रवार के दिन एक दीपक घर के मेन दरवाजे पर आप अवश्य जलाएं। आपका जो घर का मेन दरवाजा या फिर घर का मेन गेट है, उस घर के मेन दरवाजे पर एक दीपक संध्या बेला में अवश्य जलाएं। इससे माता लक्ष्मी बहुत तेजी से प्रसन्न होती हैं आपके घर पर, माता लक्ष्मी का वास बनना स्टार्ट हो जाता है। आपके घर पर पैसा आएगा तो टिकना शुरू कर देगा। इस उपाय को आप कर सकते हैं, एक भी रुपया नहीं लगने वाला है, लेकिन मित्रों जब करोगे लाभ तभी हो पाएगा। ऐसे में मित्रों आप लोगों को बता दें कि 33 साल में आप लोगों को कुछ ऐसे भयंकर लाभ आप लोगों को देखने को मिलेंगे जिनमें आप लोग रंक से राजा बनेंगे, रोडपति से करोड़पति बनेंगे। ये वो आपके ग्रह नक्षत्रों के द्वारा आपके राशि को देखा गया, तो मैंने देखा अचानक आपके राशि पर लाभ होगा। लेकिन ऐसे में आप लोगों को रेगुलर काम करना है, मेहनत करना है, क्योंकि आपको जो माता लक्ष्मी लाभ देंगी किसी न किसी का बहाना बनाकर देंगी, किसी के काम में आप लोगों को आगे बढ़ा देंगी, किसी क्षेत्र में आप लोगों को अच्छा खासा लाभ दे देंगे। इसलिए काम आप लोगों को करते रहना है और आप लोग भी बहुत तेजी से अपने जीवन को बदल पाएंगे। 33 सालों तक आपके
घर पर कोई भी परेशानी नहीं आने वाली। माता लक्ष्मी आपकी राशि पर बहुत तेजी से प्रसन्न हुई है, बहुत भयंकर लाभ आप लोगों को देने वाली है। और मित्रों आप लोगों को बता देना चाहता हूँ, आप लोग ऐसे में अगर गलती करते हैं तो आप लोग गलती मत करना, थोड़ा सा आज अपने वाड़ी पर संयम रखें, बड़ों का कहना माने, माता पिता का अदब करें। अगर आप लोग नहीं कर रहे हैं तो करना आज से ही स्टार्ट करें, क्योंकि आपके माता पिता आपको आगे लेवल तक ले जा सकते हैं, आपको ऊंचा देखना चाहते हैं। ऐसे में अगर आप अपने माता पिता से ही लड़ते झगड़ते हैं, उनकी बात नहीं मानते हैं, अपने से बड़ों का आदर नहीं करते हैं, तो आपके जीवन में उतना ही परेशानी बढ़ जाती है। इसलिए मान सम्मान अपने से बड़ों का अवश्य करें और सबका सम्मान करें, छोटा हो उसका भी करें। अगर आप ये काम करते हैं तो आपका राशि जो सिंह है ये आपको बहुत भयंकर लाभ देगा। आप एक बात ध्यान रखना, आप सिंह राशि के हैं और आपके राशि का जो तत्व है वो है अग्नि तत्व। अग्नि तत्व आपको सताएगा शुरुआती में, बिजनेस करोगे आपका लाभ नहीं होगा, नुकसान हो जाएगा, बिजनेस में पैसा डूब जाएगा। आप कई बार पढ़ाई करेंगे, कंपटीशन लेवल की तैयारी करेंगे, नौकरी नहीं मिलेगी, बिजनेस में आपको प्रॉफिट नहीं होगा, जहां पर पैसा लगाएंगे पैसा डूब जाएगा। शुरुआती में होगा फिर नहीं होगा, क्योंकि तीसरे नंबर पर आपकी राशि के मालिक बैठे हैं सूर्य भगवान। ये सिर्फ आप लोगों को सफलता देने के लिए बैठे हैं, ये जब भी आपको देंगे तो सफलता देंगे, तो सफलता आपको मिलेगी अवश्य। सूर्य भगवान आपकी राशि के रक्षक है, कोई बाहरी परेशानी आपके घर पर नहीं आने वाली है। तो मित्रों वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। आज हम यही वीडियो पर विराम लेते हैं। जय लक्ष्मी।